हेलो फ्रॉम लंदन। आज हम लोग इतना सनी वेदर है और आज हम लोग घूमने जा रहे हैं डडल डोर। हमने आज प्लान किया है क्योंकि आज का वेदर बहुत ही सनी है और डडल डोर हम कैसे भी जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, अगर आप पास में हैं तो आप पैदल जा सकते हैं, हम व्हीकल से गए थे, अपने कार से गए थे और कार लगाने के लिए यहाँ पे पार्किंग है, बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है और पार्किंग स्पेस के पास ही आपको वॉशरूम भी है जहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं। फिर आपको थोड़ा वॉक करके डडल डोर के बीच पे जाना पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो वॉक है ये एक लंबा वॉक है, थोड़ा वॉक आप इसे नहीं कह सकते। रिफ्रेशमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे देखोगे, हर चीज़ का यहाँ पे स्टॉल है, लेकिन जब आप बीच पे पहुँचोगे तो वहाँ पे खाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई स्टॉल्स नहीं है। तो अगर आप अपने साथ पानी कैरी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। और आप अगर देखोगे तो इस जगह से हम वॉक शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे एक लश ग्रीन प्रॉपर फील्ड है और इन सबको क्रॉस करते हुए हम बीच तक पहुँचेंगे। ये वॉक जो है अगर आप रुकते रुकाते जाओगे तो लगभग 20-25 मिनट का वॉक है, तेज जाओगे तो ये जल्दी भी हो सकता है। ये एक स्लोप पे है ऊपर से नीचे की ओर क्योंकि हम बीच की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो ये काफ़ी टफ भी होता है, काफ़ी थकान भी इसमें होती है। बट अगर आप ग्रुप में हैं तो ये काफ़ी बढ़िया फन है। मैं साइड साइड से चलते हुए इस जगह पहुँचा। ये टॉप व्यू है बीच का। यहाँ पे आप बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, मतलब हमने वहाँ पे देखा बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी लोग कर रहे थे। स्विमिंग भी कर सकते हो आप और कायक कर सकते हो लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये आर्च है, जो ये माउंटेन का स्ट्रक्चर है, इस पे भी लोग चलते हैं, चढ़ते हैं, लेकिन अभी हमने वो देखा नहीं और ये अलाउड भी नहीं है। और अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे जो रास्ता नीचे जाने को बनाया गया है ये काफ़ी सेफ है, और अगर इंसान थोड़ा भी ध्यान से नीचे उतरे तो कोई खास इसमें रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो हर जगह बोर्ड्स और होर्डिंग्स हैं कि आप आराम से उतरो। और बेटर ये रहेगा कि आप बहुत अच्छा स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाओ, अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाओगे तो आपको वॉक करने में तकलीफ नहीं होगी। तो कुछ वॉक के बाद जब आप बीच पे आ जाओगे तो ये बीच थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ये सैंड बीच नहीं है, ये पेबल्स बीच है। तो इस पे अगर आप नंगे पांव चलोगे तो शायद आपको चुभे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पेबल्स हैं और ये बीच पूरे एंड तक जहाँ पे अभी दिख रहा है वहाँ तक का बीच है जहाँ पे पानी काफ़ी भर जाता है, और हमने सोचा कि हम वहाँ तक वॉक करके जाएंगे। बीच वॉक हमारे लिए इनिशियली उतना आसान नहीं था क्योंकि हमने अपने अपने जूते उतार दिए थे, लेकिन जब हमें रियलाइज़ हुआ, फिर हम दोनों ने अपने अपने जूते पहने और हमने कंप्लीट किया पूरा बीच वॉक। यहाँ से आप देखोगे तो माउंटेन का जो व्यू है जो पीछे से बीच के अपोजिट साइड में है ये भी बहुत बढ़िया है, और यहाँ से जो ये ओशन का व्यू है और ख़ास करके जो ओशन का वाटर है ये इतना क्लियर है, क्लियर वाटर कि इस यहाँ पे स्विम जिसको आता है उसको स्विमिंग करने की बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा होगी क्योंकि यहाँ का वाटर बहुत ही क्लियर था। और ख़ास करके जिस दिन हम यहाँ आए वहाँ पे गर्मी थी काफ़ी और पानी ठंडा था, तो यहाँ पे रुकना, यहाँ पे बैठना, यहाँ पे सिर्फ आप अगर इन्जॉय करोगे जो वेव्स हैं उनके आवाज़ को, सीनिक ब्यूटी को, माउंटेन्स को, सनसेट को। ये प्रियंका को करने की बहुत वक्त से इच्छा थी जहाँ पे ये चले और हम पीछे से रिकॉर्डिंग करें इनके फुटस्टेप्स का, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे पूरा कर लिया। और ये अभी नंगे पांव चल रहे तो इट वाज टफ, ये उतना आसान नहीं था। और अभी कुछ देर में बट आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वो पेबल्स पे जो है ना वो बहुत ठंडी ठंडी, मतलब बहुत ठंडा था वहाँ पे पानी, तो इसलिए पेबल्स पे चलने में एकदम नंगे पांव भी बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ी देर में यहाँ पे सनसेट होगा। हमने इतना ही चीज़ यहाँ पे है मोस्टली, हमने ये चीज़ देख लिया। अब हम जाने वाले थे लेकिन फिर जो रिकमेंडेड था वो ये था कि यहाँ का सनसेट देखें, इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे वेट करेंगे, थोड़ा बैठेंगे और उसके बाद सनसेट देख के कवर करके यहाँ से जाएंगे। ये जगह जनरली बहुत क्राउडेड तो नहीं रहती क्योंकि ये थोड़ा सा हटके थोड़े दूर पे है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो बेहतर यही होगा कि आप अपने साथ कुछ ऐसा लेके आओ जिससे आप बीच पे बिछा के बैठ सको। कुछ बैग्स कैरी करो, मैट लेके आओ, कुछ स्नैक्स लेके आओ ताकि आप यहाँ बैठ के इंजॉय कर सको, आप सनसेट तक रह सको, क्योंकि स्नैक्स अगर आपके पास रहेगा, वाटर रहेगा, तो आप आराम से बीच पे मैट बिछा के सनसेट का मज़ा ले सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पानी का है, पानी होना ज़रूरी है क्योंकि
इस बीच पे हमें कहीं भी ना कोई सेल करते दिखा, ना ही हमें कोई ऐसा जगह दिखा जहाँ से हम पानी पी सकते थे। और ये प्रियंका देखो आप, ये जो स्पॉट था सनसेट से थोड़ा पहले का, यहाँ पे फॉरगेट अबाउट डोर, ये बीच का एम्बियंस ऐसा था, ये जो साउंड यहाँ पे इतनी प्यारी आ रही है, ये साउंड इस तरीके की थी जहाँ पे आप बिल्कुल कुछ बोले बिना काफी वक्त बिता सकते हो। यहाँ पे एकदम पीस ऐसा फील होगा कि आप यहाँ पे आओ, और अगर मौसम बढ़िया है तो आप यहाँ पे काफी देर तक रह सकते हो, आपको समय का पता ही नहीं लगेगा। और डडल डोर के पास आप बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्स भी ले सकते हो। यहाँ पे तो बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, तो वहाँ पे जो डडल डोर का मेन आर्क है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पिक्स आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। हमने भी बहुत सारे पिक्स लिए, सेफली से हमने विजिट किया और उसके बाद हम फिर वापस गए। कोई भी लिटर आपको करना वहाँ पे अच्छा नहीं है, डेफिनेटली अच्छा नहीं है। और हम वहाँ पे कुछ वक्त ही रहे, थक गए, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद हम शाम अंधेरा होने से पहले वापस। अगर आपने हमारे इस एक्सपीरियंस को इन्जॉय किया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।